हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन विथ यट अनदर पजल। इस पजल में 6 आइडेंटिकल ब्रिक्स दी हैं जो इस तरह से प्लेस्ड हैं। एक ब्रिक का पेरीमीटर 100 है और आपसे पूछा है कि इस कॉम्बिनेशन का पेरीमीटर कितना होगा। देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर दिख रहा है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। लॉजिक समझें इसके पीछे। देखिए, मेरे पास दो एक जैसे दिखने वाले फ़ोन हैं। मैं अगर इसको एक के ऊपर एक रखता हूँ तो ऐसे रखने से कितना कितने साइड्स छुप जाते हैं? दो दो फेस ये वाले, एक ये जो आपको दिख रहा है और एक ये दो फेस छुप जाते हैं, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये दो फेस छुप जाते हैं, ठीक। और मैं ये जानता हूँ इस ब्रिक में ये चार फेसेस मिलकर, एक दो तीन और चार, चार फेसेस मिलकर पेरीमीटर बनाते हैं। तो जब ये ओवरलैप यहां पर हुआ तो मुझे, मैं इसको ब्रेड्थ बोल देता हूं, मुझे दो ब्रेड्थ मिल गई। जब ये यहां ओवरलैप हुआ तो मुझे यहां भी दो ब्रेड्थ मिली, और जब ये यहां ओवरलैप हुआ तो मुझे यहां भी दो ब्रेड्थ मिली। ये ऐसे दिख रहा है, इस ईंट को इधर सरका दें, आइडेंटिकल ब्रिक बोला है। तो ये दो फेस और इससे भी दो फेस, चार फेसेस इधर आएंगे। इसको दो लेंथ बोल देता हूं मैं, यहां से भी दो लेंथ आएंगी और यहां से भी दो लेंथ आएंगी। अब दो लेंथ और दो ब्रेथ मिलकर एक ब्रिक बन गई पूरी। ऐसे ही ये दो लेंथ और ये दो ब्रेथ मिलकर एक ब्रिक बन गई, और ये दो लेंथ और ये दो ब्रेथ मिलकर एक ब्रिक बन गई। तो टोटल तीन ब्रिक का पेरीमीटर इससे कम हो रहा है। टोटल कॉम्बिनेशन में 6 ब्रिक है। एक ब्रिक का पेरीमीटर 100 दिया, तो टोटल पेरीमीटर अगर अलग अलग रखी होती तो 600 होता, जिसमें से ओवरलैपिंग की वजह से तीन ब्रिक का पेरीमीटर कम हो गया। यानी इस गिवन फिगर का पेरीमीटर जो है 300 यूनिट्स होगा। होप एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सामी।